हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइन्थ मैथमेटिक्स में चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.5। हमने पिछली दो वीडियोस में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना बताया, एक बार दोबारा से देखते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को। इन पे बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 में, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1। यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज x+4 एंड x+10। इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले सोचना होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। सो दिस इज x+a एंड x+b। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसे हमने कंप्लीट लिखना है, x+a एंड x+b इक्वल्स टू x² + x a + b + a b। इस क्वेश्चन में a की जगह हमने 4 पुट करना है एंड b की जगह 10 पुट करना है। सो दिस इज x² + x a + b, दैट मीन्स 4 + 10, एंड a × b, दैट मीन्स 4 × 10। सो दिस इज x² + 14x + 40। सो इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई करके इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। नाउ वी मूव टू अदर पार्ट्स। अब इसमें सेकंड पार्ट है x+8 × x-10। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिटी x+a × x-b, जिसमें बच्चे x-b मान लेते हैं इसे, तो हम इसको आइडेंटिटी अलग से नहीं बनाएंगे, इसको हम x+a, x+b की आइडेंटिटी ही कंसिडर करेंगे। लेकिन इसको हम लिखेंगे x+8 × x+10 है, उसको हम ब्रैकेट में लिख के आगे प्लस लगा देंगे। सो मीनिंग सेम हुआ, बट द डिफरेंस इज a is 8 and b is -10। सो अगेन वी अप्लाई आइडेंटिटी x+a, x+b, वेयर a = 8 and b = -10। सो इसका जो अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, सो इट इज x² + x 8 - 10 + 8 × -10। सो दिस इज x² - 2x - 80। नाउ थर्ड पार्ट, 3x + 4 and 3x - 5। यहाँ पे भी हम देखते हैं 3x और 3x, फर्स्ट पार्ट सेम है, वो सेकंड पार्ट डिफरेंट है। जब भी सेकंड पार्ट डिफरेंट होता है और फर्स्ट पार्ट सेम होता है, वी अप्लाई x+a × x+b। सो इसे भी हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज 3x + 4 एंड दिस इज 3x + -5। सो वी यूज द आइडेंटिटी x+a × x+b, वेयर x की जगह तो 3x है, a की जगह 4 एंड b की जगह पे हम -5 पुट करते हैं। सो इट बिकम्स 9x² - 3x - 20। नाउ पार्ट 4, y² + 3/2 × y² - 3/2। इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट पार्ट इज सेम y² एंड सेकंड पार्ट इज अगेन सेम 3/2, लेकिन यहाँ पे जो साइन है फर्स्ट में प्लस है और सेकंड में माइनस है। सो इसे हम x+a, y and x-y, जिसे हम a+b या a-b आप मान सकते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। सो दिस इज y^4 - 9/4। नाउ फिफ्थ पार्ट, 3 - 2x and 3 + 2x। इस क्वेश्चन में भी देखिए फर्स्ट पार्ट इज सेम, सेकंड पार्ट इज सेम, पहले माइनस है बाद में प्लस है। सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी दैट इज x+a × x-a। सो हेयर x = 3 एंड y = 2x। सो द प्रोडक्ट वुड बी 9 - 4x². नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना। सो फर्स्ट पार्ट इज 103 × 107। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग देखेंगे 103 कैन बी रिटन एज 100 + 3 एंड 107
एज 100+7। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट सेम है, सेकंड पार्ट डिफरेंट है। सो जो आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी दैट इज x+a × x+b। इसे आपने पूरी आइडेंटिटी ही लिखनी है एग्जाम में, प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इसे जब हम अप्लाई करते हैं सो इट बिकम्स 100² + 100 × 3+7+3 × 7। सो दिस इज 10,000+1,000+21। आफ्टर एडिंग दिस वी गेट 11,021। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना है। अब इसके सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखते हैं। पार्ट सेकंड, 95 × 96। अब देखिए 95 को भी हम राउंड फिगर के अकॉर्डिंग 100 - 5 और 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट पार्ट इज सेम, सेकंड पार्ट इज डिफरेंट। सो इसमें जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी दैट इज x+a × x+b, लेकिन उसको पहले प्लस की फॉर्म में लिखना जरूरी है। सो दिस इज 100+-5 × 100+-4। सो इसको अप्लाई करके वेयर x=100, a = -5 and b = -4, वी गेट 9,120। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते 95 को 90+5 and 96 को 90+6 तो भी बिल्कुल सेम आंसर आता, लेकिन उसमें x की जगह हम 90 पुट करते, a की जगह +5 and b की जगह +6। नाउ थर्ड पार्ट, 104 × 96। सो 104 कैन बी रिटन एज 100+4 and 96 is 100 - 4। यहाँ पे हमने ध्यान देना है फर्स्ट पार्ट सेम है, सेकंड पार्ट भी सेम है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। सो वी अप्लाई x+a × x - a दैट इज x²-y². सो वी गेट 9,984। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्राइट आइडेंटिटीज। इसमें देखिए 9x² + 6xy + y², यहाँ पे जो आइडेंटिटी है सबसे पहले हमें देखना है कि ये थ्री टर्म्स में है, x² का टर्म है, y² का टर्म है एंड xy का टर्म है और ये प्लस है। सो दिस कुड बी x² + 2xy + y². सो इसे पहले उसी फॉर्म में लिखते हैं। 9x² को हम लिख सकते हैं 3x² क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 एंड x² इज सेम। y² प्लस 2 x की जगह 3x एंड y की जगह y। अब इसको दोबारा देखते हैं, 3x² = 9x², 2 × 3 = 6, दिस इज 6xy + y². सो ये टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के बिल्कुल सेम है, लेकिन इस टर्म को जो हमने लिखा है दैट इज x² + 2xy + y² की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3x + y² और इसको हमने दो फैक्टर में, दो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिखा। नाउ सेकंड पार्ट, 4y² - 4y + 1। इसे भी देखिए y² का टर्म है, 1 है एंड y है, थ्री टर्म्स हैं। सो ये बन सकता है x² - 2xy + y² की आइडेंटिटी, लेकिन इसको फिर पहले हम उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो 4 को लिख सकते हैं 2² and y, सो दिस इज 2y² 1 कुड बी रिटन एज 1² सो यहाँ पे ये x बन गया, ये y बन गया, तो यहाँ पे -2xy लिखना है। सो -2x की जगह 2y and 1y की जगह 1। इसे हम दोबारा चेक करते हैं, सो दिस इज 2y² दैट इज 4y² 2 × 2 = 4 -4y + 1। सो ये सेकंड टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म के बिल्कुल सेम है। सो इसमें जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू दैट दिस कुड बी 2y - 1² इसे हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। नाउ थर्ड पार्ट, x² - y² / 100। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो टर्म है स्क्वायर शेप में है और माइनस है, सो दिस कुड बी x² - y/10². सो वी अप्लाई x² - y² as x + y x - y, सो दिस कुड बी
एक्स प्लस वाई अपॉन टेन इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन टेन। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज 2.5 के। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी तरह का आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन नई वीडियोस का आपको मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।